उठो चराग उठाओ के आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ के एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। चाचा जी। हाँ? अगर आपको और भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। भगवान तुम्हें सदा बनाए रखे। आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। कैसे हैं अब आप? ठीक ठीक हूँ। ठीक चाचा जी, मैं बेटी वो बूढ़े काका कहाँ हैं जिन्होंने हमारी बहुत सेवा की है? उन्हें बुला दो, मैं हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुला दो बेटा, उन्हें बुला दो। वो तो आग में भुन गया। चाचा जी, उनका आग में जल के देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत ही नेक इंसान था। रामू काका के जाने का हम सबको भी बहुत दुख है। अब होनी को कौन टाल सकता है? ऊपर वाले की मर्जी के बिना इस दुनिया में ना कोई आ सकता है और ना इस दुनिया से कोई जा सकता है। हो सकता है इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी। सही कहा चाचा जी आपने। तो क्या आग लगने और मेरे मिलने की खबर गजेंद्र को मिल गई? बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ जीजा, हम सबको छोड़कर चले गए। पर छोटे तो वहां तखाने में नहीं था, फिर वो आग में कैसे? बाबा का देहांत उस हादसे में नहीं हुआ है। गोली मार दी उस हादसे। किसने गोली मारी मेरे छोटे भाई को? जी वो
भोली बुआ ने। चाचा जी, चाचा जी, ये ईश्वर की क्या लीला है, बहन के हाथों अपने भाई की हत्या, किस बुरे कर्मों की सजा दे रहा है भगवान हमारे परिवार को। लेकिन बेटा ये सब कब हुआ? काफी दिन हो गए अब तो। जीजा की अस्थियां गंगा जी में बहा दी हैं चाचा। और बेटा गजेंद्र कहता था कि मेरी बेटी जिंदा है, कहाँ है वो? मास्टर जी, मास्टर जी, कितना तेज चलते हैं आप। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक। स्कूल से आ रहे हैं? नहीं। फिर? कुछ काम था। आप बताइए, आप यहाँ कैसे? मास्टर जी, मैं ना आपसे माफी मांगना चाहती थी। आपसे मिल नहीं पाई, ना ही आपको कुछ बता पाई। उस दिन अचानक काम आ गया और। ठीक है मास्टर जी, अगर जरूरी काम नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। और मैं आपको बताना भी चाहती थी, लेकिन वहाँ काम करते करते इतना टाइम हो गया कि। कोई बात नहीं। मास्टर जी, कुछ कहेंगे नहीं आप? कुछ कहने को है ही नहीं। मैं जानती हूँ मास्टर जी, आप मुझसे नाराज हैं। आपका काम कैसे चल रहा है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। माफ कीजिए सरदार जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, कुछ किताबें देखनी है, थोड़ी तैयारी करनी है। मास्टर जी, मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ तालाब पे चलते तो। मैं जानती हूँ आपको वो जगह बहुत पसंद है। फिर कभी। नमस्ते मास्टर जी। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई बात नहीं। जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। टिकट 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 लो भाई, टिकट लो बराबर, टिकट 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 जल्दी लो, बस जाने वाली, जल्दी करो। भैया राजपुरा की टिकट देना एक। आपके टिकट ले लिए मैडम। हेलो, ये रही तुम्हारी टिकट। पर तुम यहाँ कैसे? अब उस दिन तुम हमेशा की तरह बिना पूरी बात सुने ही चली गई थी। अब अपना क्या, दिल के राजा है और जेब से खाली। तो तुम्हारा ये मायूस सा चेहरा देख के मेरा दिल पिघल गया। और देखो मैं आ गया तुम्हारे सामने, मेरी कंपनी है ना। पर तुम्हारा सामान किधर है? ये रहा। इतना सा? हाँ, इसमें तीन जीन्स है और दो टी शर्ट। इतने में महीना दो महीना तो गुजर ही जाएगा। तुम्हारा सामान कहाँ? ये इतना सारा। कहाँ जा रही हो मैडम? गोवा है, अंडमान निकोबार। वैसे वहां पर भी इतने सामान की जरूरत नहीं होगी। चलो चलो, टाइम हो गया बस का, चलो चलो। रिलैक्स, आराम से है। अभी ये बस आधे घंटे तक खिलने नहीं वाली। पर कंडक्टर तो कह रहे कि निकल। वो आधे घंटे बाद भी यही कहेगा। एक्चुअली यहाँ पर करने और कहने में थोड़ा फर्क है। ये इंडिया है मेरी जान। चले।